अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास होंडा सिटी 150F आया हुआ है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम इसमें आई हुई है, एक तो ये बाइक ट्यूनिंग के लिए आया है, दूसरा ये कि इसमें जो इसका फ़िल्टर निकाला है उन्होंने, इसका फ़िल्टर बिल्कुल चौक हो चुका है। इसका मैं आपको फ़िल्टर दिखाता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, इसका फ़िल्टर, ये फ़िल्टर बिल्कुल इसका चौक हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अक्सर मैकेनिक जो नाड़े मैकेनिकों की लागर्थी की वजह से इसको पेट्रोल से साफ़ कर देते हैं, मिट्टी का तेल मार देते हैं, जिसकी वजह से इसका फ़िल्टर चोक हो जाता है। इसका फ़िल्टर भी काफ़ी कॉस्टली है, इसका एक फ़िल्टर गाड़ी के फ़िल्टर से महंगा है। इसके जो फ़िल्टर की प्राइस है वो 1750 रुपये है। और देखें इस बाइक जो कि इस बाइक के जो ऑनर हैं उनका नुकसान हो गया, और वो बैठे, हालांकि उनका 2022 का मॉडल है और इसका फ़िल्टर चोक हो चुका है, क्योंकि ये ऐसा फ़िल्टर है, बटरफ्लाई फ़िल्टर है, ये 5 साल से पहले इस फ़िल्टर को कुछ नहीं होता। और ये मैकेनिक जो हमारे दूसरे मैकेनिक हज़रात हैं जो अनाड़ी होते हैं, मतलब कि वो इस फ़िल्टर को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस वजह से फ़िल्टर ख़राब होने की वजह से जो बाइक की जो एयर होती है बिल्कुल सही पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बाइक मिसिंग कर रहा होता है। और ये हम इसमें भी न्यू फ़िल्टर इंस्टॉल करने लगे हैं, ये इसका बिल्कुल न्यू फ़िल्टर है, जेन्युइन फ़िल्टर है ये, बिल्कुल अब डलेगा, बाइक का साउंड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बाइक की पिक भी ठीक हो जाएगी। अभी ये बाइक आया था, ये बाइक हमारे पास अभी आके कस्टमर ने कंप्लेन की कि बाइक मिसिंग कर रहा था, बाइक की एयर बिल्कुल सही पास नहीं हो रही थी, अभी इसमें बिल्कुल डलेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए अभी आपके सामने जो भी इंस्टॉल करते हैं, ये इसका फ़िल्टर फिट हो गया, अभी इसका ऊपर कवर लग रहा है, साथ साथ बाइक की ट्यूनिंग भी हो रही है। अभी ये बाइक सिर्फ चला भी 6000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर चला हुआ है अब तक। अभी इसका फ़िल्टर ख़राब होना नहीं चाहिए था, जो कि इसका फ़िल्टर ख़राब हो चुका है। अभी यहाँ पे इसकी चैन की गरारी और चैन साफ़ हो रही है, इसका जो ऊपर मैग्नेट कवर है वो साफ हो रहा है। बाइक की कंडीशन जस्ट लाइक न्यू है, बट इसका काम किसी अच्छे मैकेनिक ने नहीं किया, जिसकी वजह से बाइक प्रॉब्लम कर रहा है। और ये अब इसके कैपर टाइट हो रहे हैं। अभी हम इसमें होंडा का ऑयल डालने लगे हैं 10-30। बेस्ट इंजन ऑयल फॉर CB 150F, CB 125F, CG 125S, इन सब के लिए बहुत फिट ऑयल है। अब इसका यहाँ पे फ्यूल टैंक इंस्टॉल किया जा रहा है वापस, जो कि उतारा था ट्यूनिंग के लिए। क्योंकि इसके साइड कवर्स बड़े हैं, जिसकी वजह से इसके टैपर नहीं हो सकते, इसकी वजह से इसका फ्यूल टैंक उतारना पड़ता है। और इसकी सीट भी इंस्टॉल हो गई है, अब इसके साइड कवर्स इंस्टॉल होंगे।
और ये व्यूअर्स अभी इसके इंजन को प्रेशर मार के बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है, इसके हेड सिलेंडर को, इसके मैग्नेट को, इसकी चेन को, बैटरी वाली साइड को, इसके हर जगह को उन्होंने साफ़ कर दिया है बिल्कुल। और ये बाइक स्टार्ट हो चुका है, सो व्यूअर्स जब भी आप अपने बाइक की ट्यूनिंग करवाएं, अपने किसी हाईली क्वालिफाइड मैकेनिक से, हाईली स्किल्ड मैकेनिक से अपनी बाइक की ट्यूनिंग करवाएं, क्योंकि बाइक बहुत महंगा है। और नाड़ी मैकेनिक जो इसको फॉल्ट कर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि उन्होंने इसका फिल्टर चोक कर दिया और कस्टमर हमारे में कंप्लेन कर रहे थे, तो आप कोशिश करें कि किसी अच्छे मैकेनिक से अपने बाइक की ट्यूनिंग करवाएं। सो व्यूअर्स दिस इज़ अ व्लॉग, आई होप यू गाइस एंजॉय इट, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स एंड वीडियो। If you don't follow me on Instagram, go follow me on Instagram. The link is in description box. Till then, take care. Allah Hafiz.